गुड इवनिंग दोस्तों वेलकम टू इंडिया स्टडीज और आज अपनी शाम को क्लास लगने का रीजन ये है कि कल सुबह मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी आपका पार्ट बचे और ये जो वेन डायग्राम वाला इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक तो वेन डायग्राम से जैसे आपको खुद से ये बनवाया जाता है कि बताइए कौन सा इसमें ये डायग्राम जो बनेगा वो सही होगा एंड एक जो आता है जो वैल्यू पुटिंग वैल्यू दे रखी होती है वहां से आपको पूछा जाता है दोनों टाइप से आपके दो से आ, दो सवाल तो इसमें लगभग और दो क्वेश्चन उसमें मैंने आ, जो भी पेपर देखे प्रीवियस ईयर के स्टेनो वाले उसमें तीन क्वेश्चन तो लगभग मिले हैं मुझे है ना मिनिमम थ्री थ्री क्वेश्चन इससे मिले हैं तो मैं चाहती हूँ और आपका एक दूसरी प्लानिंग थी मेरी क्लास लेने की बट वो रेडी नहीं तो मुझे लगा कि ये करवा देना सही ओके ओके वेरी गुड गुड इवनिंग इवनिंग ठीक है दोस्तों मैं अगेन रिपीट करती इस में इसके तीन से चार क्वेश्चन जरूर आते हैं तीन क्वेश्चन तो आपको देखने को आराम से मिल जाएंगे फोर क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ उस टाइप के जो क्वेश्चन कभी एक भी बन जाता है कभी दो भी बन जाते हैं तो दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ वेन डायग्राम में तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने जो कि इजी सा सवाल है सबको अच्छे से विजिबल है ना किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है अच्छे से दिखाई दे रहा है क्योंकि मुझे थोड़ी सी लाइटिंग कम लग रही है तो आप सभी को तो अच्छे से दिखाई दे रहा होगा राइट ठीक है आ जाइए देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है और अब साथ के साथ में हम आंसर देंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हुए जाएंगे क्या कहना चाह रहा है दूध और तरल तरल यानी लिक्विड जो होता है दूध क्या होता है लिक्विड में, आता है। क्या होता है? में आता है। तो माह ने आंसर दिया है तो लिक्विड मिल्क आता है तो मिल्क ये हो जाएगा अंदर वाला और ये क्या हो जाएगा आपका लिक्विड बाहर वाला और अंदर वाला क्या हो जाएगा दूध हो जाएगा क्या हो जाएगा दूध हो जाएगा अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने वाले थोड़े आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला जो है एनिमल्स पूछ रहा है आपको एनिमल्स के साथ साथ में आपको जो लैंड पे एनिमल रहते हैं यानी जो जमीन पे एनिमल्स रहते हैं वो एंड जो सी यानी समुद्र में जो एनिमल रहते हैं उसकी बात आपसे पूछी जा रही है तो क्या आएगा देखो इसमें दो तरह के आंसर आएंगे मेरे पास है ना एक तो आंसर ये आने की संभावना है थोड़ी सी ये आने की संभावना है तो कौन कौन सा आंसर आएगा बी बी आंसर आ रहा है चलिए देखिए दोस्तों ये आप सभी को पता है भाई समुद्र में रहने वाले भी जानवर ही होंगे ठीक है और जो जमीन पे रहते हैं एक मिनट में थोड़ा पानी मंगवा लेती हूँ दोनों जानवर होंगे तो तुम इस वाले में और थोड़ा इस वाले में कंफ्यूज जरूर होगे साक्षी ने भी आंसर बी दिया है और कोई जो कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है उसमें मैं आपको टाइम दूंगी बाकी सवाल में आपको टाइम नहीं मिलेगा देखिये दोस्तों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आप आप देख सकते हैं हैं कंफ्यूज लोग भी हो रहे हैं? देखो कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो जमीन के साथ साथ समुद्र में भी रह लेते हैं यानी पानी में भी वो रह लेते हैं एंड वो जमीन पे भी रह लेते हैं तो ऐसे जानवर तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा ना ही बी आएगा ना ही ये आएगा तो जानवर में तो है ये हमें कन्फर्म है, है ना जानवर क्या है समुद्र में रहने वाले जानवर भी जानवर में आएंगे एंड जो कहां पे है जमीन पे रहने वाले भी आएंगे लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत जगह दोनों जगह रह सकते हैं तो कौन सा आ जाएगा डी अब देखो आपने सोचा भी नहीं था अब सबको ये लगता है कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन इजी होते हैं जैसे इस सवाल को आपने देखा अभी तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कंफ्यूजन वाले तो आप देख चुके हैं आंसर कौन सा आएगा डी क्लियर अगले आगे सवाल पे बढ़ जाइए नेक्स्ट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशनरी देखो इसको ए आ रहा है हाँ ये तो आप आंसर दे ही दोगे कोई दिक्कत नहीं है देखिए हमें पता है बेड यानी बिस्तर जो होता है वो एक अलग ही हो गया है ना में क्या आता है? कलम यानि पेन आता है तो स्टेशनरी पेन आ जाएगा नहीं हुई है अगले सवाल पे बढ़ जाइए नेक्स्ट देखिए चार पांच क्वेश्चन हम इस टाइप के करेंगे चार पांच क्वेश्चन हम टाइप चेंज कर देंगे उस टाइप के करेंगे फिर वापस आ जाएंगे यहाँ पे अगला जो है वो है हिस्ट्री जियोग्राफी एंड जियोलॉजी ठीक है यानी इतिहास और भूगोल और भूगर्भ शास्त्र ठीक है तो बताओ भूगर्भ शास्त्र आएगा ठीक है ये है है ना भूगर्भ शास्त्र तो आप बताइए कौन सा हो सकता है इसमें भी ए आएगा या फिर डी आएगा डी मीन्स अलग अलग हो गए ठीक है एंड हम बात करें यहाँ पे सी इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है जितना तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कल कुछ बच्चों का कल एग्जाम है कुछ का परसों एग्जाम है तो एग्जाम जो आप लोग दोगे तो आपकी तैयारी इतनी तो मैंने आराम से करवा दी है यानी जो टेस्ट वगैरह में ये क्वेश्चन डलते रहते हैं अब इसमें मेरे पास तीन प्रकार के आंसर आए मेरे पास ए आंसर भी आया है डी भी आया है और बी भी आया है अब देख सकते हैं जितने नंबर्स आप देख रहे हैं उनमें इतना कंफ्यूज है तो फिर एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज कितने होते होंगे तो एग्जाम में एक प्रेशर भी होता है कि हाँ भाई तुम्हें जल्दी से करना है और जितना ज्यादा अभी तुम्हारे सामने जितना टाइम के लिए क्वेश्चन लग रहा है इतना टाइम तुम वहां पे देते भी नहीं हो दोस्तों तो हिस्ट्री जो है हिस्ट्री अपनी क्या हो जाएगी अलग से हो जाएगी हिस्ट्री एक अलग हो जाएगा ठीक है भूगोल और जियोलॉजी जियोलॉजी की कुछ चीजें भूगोल में हम पढ़ते हैं भूगोल में पढ़ते हो नहीं पढ़ते ठीक है राम राम सा बिल्कुल तनु गुड इवनिंग राम राम अब यहाँ पे देखिए तो भूगोल और ये जियोलॉजी की कुछ चीजें आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो आंसर कौन सा आएगा बी आएगा ठीक है आंसर कौन सा आ जाएगा बी ओके क्लियर तो ए वाले जो थे वो क्या सोच रहे थे वो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोचा कि हिस्ट्री और देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी अलग, अलग अलग पार्ट है है ना ये तो अलग अलग है ये सही है तुम इसमें कंफ्यूज हो सकते हो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो बाकी जो डी वाले हैं वो भी थोड़ा वो तो अलग अलग कर दिए इनका थोड़ा समझ में आता है डी वालों का लेकिन ए वालों ने क्या सोचा वो आप देखना ठीक कि है क्लियर हुआ तो हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग आएगा कुछ ने ये सोचा कि भाई ये भी कुछ अलग से है तो इस अलग लिख दिया लेकिन जियोलॉजी की कुछ चीजें हम किस में पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं जियोग्राफी में तो ये दोनों साथ आएंगे और ये अलग से हो जाएगा अगले सवाल पे आ अगले क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी जो आपकी डेली दिनचर्या उससे रिलेटेड सवाल है क्या? गाजर खाद्य है और है। और सब्जी तो इसमें ए आएगा, बिल्कुल सही है क्यों क्योंकि खाद्य सामग्री में कौन आता है सब्जी आती है और सब्जियों में कौन शामिल है गाजर शामिल है ठीक है तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर बहुत बढ़िया अभी मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करती हूँ क्वेश्चन पांच आप कर ही चुके हैं तो चलिए थोड़ा सा पैटर्न हम चेंज करते हैं ताकि तुम्हारे सामने नई चीजें आए और नई चीजों का मतलब है अच्छी चीजें आए ओके okay? अगला सवाल अगर आपको दिखाई ना दे तो मुझे बोल देना ताकि आपको ओनली मैं एक बार क्वेश्चन अच्छे से दिखा दू क्या वैल्यू अच्छे से दिखाई दे रही है ठीक है हाँ आजकल पता नहीं क्या हो रहा है क्लास टाइम पे ज्यादा ही फोन आ रहे हैं नहीं अच्छे से नहीं दिखाई दे रही अब दिखाई दे रही है बिल्कुल अब दिखाई दे रही है ठीक है आज वापस से टेस्ट डल चुका है टेस्ट दीजिए डेली टेस्ट मिल रहा है आपको डेली टेस्ट दो अच्छे से आराम से रात में बैठ के और जो भी है आपका नंबर आप को पता चल ही जा रहा है ठीक है क्वेश्चन आप सभी ने देख लिया क्या कहना चाह रहा है एक बस्ती है जिसमें थर्टी में मेंबर्स जिनमें फिफ्टी फाइव जो एज है एज वर्ग के लोगों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा रहा है जो छोटा वाला सर्किल है अच्छा जो बड़ा वाला जो सर्किल है वो नौकरी करने वाले लोग है कौन है नौकरी करने वाले लोग हैं और छोटा वाला सर्किल है वो पिछड़े लोग हैं और जो ट्रेंगल है यानी त्रिभुज जो दे रखा है वो क्या दे रखा है शिक्षित यानी एजुकेटेड पर्सन है तो आपसे पूछा गया है ये बहुत अच्छा सवाल है आपसे क्या पूछा गया है नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या ध्यान देना इस लाइन पे ओके लाइन पे ध्यान जा रहा है अच्छे से क्या कहना चाह रहा है जॉब जो, जो कर रहे हैं नौकरी जो कर रहे हैं पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या यानी पिछड़े भी हैं और यहाँ पे यानी नहीं है यानी ट्रेंगल वाला पार्ट आपको निकालना है। क्या निकालना है। है? क्या वाला पार्ट निकालना है एंड दोनों सर्किल का पार्ट आपको देखना है ओके okay? ये हो गया आगे क्या कहना चाहे और, और केवल शिक्षित केवल पिछड़े केवल नौकरी करने वाले नौकरी ठीक है देखो, जैसे सुधा लिखा आता है तो एक ही ध्यान जाता है शादी सुधा है ना ओके लेकिन ये नौकरी सुधा है जिनके पास नौकरी है है जॉब तो आपसे पूछा जा रहा है लोगों का नंबर्स का जो नंबर है भाई इन सभी के सम का और ऊपर वाला जो नंबर है उनका रेशियो आपसे पूछा गया है क्या होगा तो अभी तक जो है किसी भी आ, बच्चे ने आंसर नहीं दिया यानी कोई भी नहीं सोच पा रहा कि आंसर क्या बनेगा लेकिन इतना डिफिकल्ट uh, सवाल नहीं है जितना तुम इसको मान रहे हो बस एक बार क्वेश्चन की परिभाषा सवाल की फीलिंग समझ में आनी चाहिए सब कुछ हो जाएगा है ना ओके okay, सवाल समझ चुके हैं सभी नाटी टू बहुत बढ़िया तनु ने आंसर दिया महीन ने आंसर दिया है एंड ठीक है ऑप्शन ए आंसर आ रहा है चेक करते हैं राइट है या रॉन्ग है उसका फैसला अभी थोड़ी देर में हो जाएगा तो नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोग तो देखो दोस्तों शिक्षित नहीं त्रेंगल वाला पार्ट माइनस कर दो एंड नौकरी भी करते हैं और पिछड़े भी हैं यानी दोनों सर्किल जहां पे काट रहा है ऑप्शन तो का, तो तो जो, जो मिल रहे आपको वो ऑप्शन ए और सी इतना तो तुम बिल्कुल श्योर हो जिस तरह से सवाल कर रहे हो उस तरह से तुम बिल्कुल श्योर हो कि ये दो आंसर तो बिल्कुल नहीं आएंगे बी और डी ठीक है ओके अब क्या करें अब यहाँ पे आ जाइए बाकी क्या करें केवल शिक्षित केवल एजुकेटेड केवल शिक्षित ट्रायंगल में कितने हैं एट प्लस केवल पिछड़े लोग छोटे वाले सर्किल में ओनली कितने हैं ये सेवनटीन एंड हम बात करें जिनको ओनली जॉब वाले यानी ओनली नौकरी शुदा जो हैं वो कितने हैं यानी नौकरी यानी बड़े वाले आ, सर्किल बड़े वाले सर, आ, सर्किल में कौन है सेवन ठीक है एड कर लीजिए फाइव रेशो यहां पे आएगा ट्वेंटी फाइव प्लस सेवन तो कितना आ जाएगा थर्टी टू फाइव रेशो थर्टी टू है ऑप्शन ए इज राइट आंसर ठीक है ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्लियर अगला सवाल लगा दिया जाए अगले सवाल पे आ जाइए अब ये आराम से आपको दिख जाएगा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट है कि इसमें कितने युवा स्नातक कितने हैं हाउ मेनी यंग ग्रेजुएट्स आर देयर यहाँ पे कितने ऐसे हैं जो युवा भी हैं और स्नातक भी हैं देखिए सबसे ज्यादा गलती तुम इनमें ही करके आने वाले हो हालांकि जो वेन डायग्राम वाले वैसे आते हैं उनमें भी गलतियां होती हैं तो 20 यानी डी ऑप्शन इज राइट अच्छा 20 मतलब बी ऑप्शन दे रहे हैं कुछ डी भी दे रहे हैं कुछ बी भी दे रहे माहिंग ने डी दिया है यानी अब ट्वेंटी वालों ने आंसर चेंज कर लिया अपनी पार्टी चेंज कर लिया देखते हैं सही है या गलत है देखो युवा स्नातक युवा ओनली जो युवा भी है स्नातक भी है तो देखो ये ट्वेंटी तो होगा ही होगा जिन्होंने ट्वेंटी आंसर दिया उन्होंने ये देख लिया भाई ये जो टेन है ना नीचे टेन ये युवा में भी शामिल है स्नातक इस इसने ये कहीं नहीं कहा गया कि नियोजित नहीं होने चाहिए होंगे तो भी चलेगा ठीक है नियोजित तो होंगे तो चलेगा मना ही नहीं है अगर मना ही किस चीज की नहीं है तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितने आ जाएंगे थर्टी ठीक है थर्टी बिल्कुल सही है हाँ अगर ये बोलता कि कितने केवल जो है युवा स्नातक है तो केवल में हम कितने देते हैं ट्वेंटी आंसर देते हैं ना मैं फ्री होके बात करूं ठीक है ना क्लास से निकल के एक बार आ,

लेकिन स्क्वायर में नहीं ऐसे आपको पूछा गया है बताओ बी यानी फिफ्टीन देखो इसमें कोई वो नहीं है इसमें नहीं है यानी ये वाला पार्ट हट गया ओनली बाकी ये तो रोमबस वाला तो ये आ रहा है ये तो अलग हो ही गया ये अलग हो, कुछ बच्चे पांच को भी जोड़ देंगे यानी बीस आंसर देंगे अच्छा बीस दिया भी है, है ना तो बीस नहीं होगा ये कह रहा है कि उन संख्याओं का योग बताओ जो रोमबस में है रोमबस यानी सिर्फ यहां पे है यहां पे है और उनमें से भी ये वाला पार्ट कट गया तो बचा ही कौन ये बचे यानी फोर प्लस नाइन प्लस टू तो कितना आ गया फिफ्टीन कितना आएगा फिफ्टीन ऑप्शन बी इज राइट आंसर क्या आएगा ओनली फिफ्टीन इसने ये कहीं नहीं कहा कि ट्रेंगल वाले भी शामिल करो ट्रेंगल वाले हो तो चलेगा लेकिन रोमबस के तो जरूर होने चाहिए है ना क्लियर अगले सवाल पे बढ़ जाओ ये थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कुछ इसमें मुझे भी नहीं दिखाई दे रहे ठीक है मिनट तुम्हें थोड़ा बहुत भी दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा थोड़ा बहुत दिखाना चाहिए ये लो देखो अभी ठीक है अभी भी मैम कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा देखो एजुकेटेड जो है वो सर्किल में है सर्किल में ए आ रहा है बी आ रहा है सी आ रहा है और सी इधर है ये रहा सी ये ए है और ये बी है एंड करे एफ है इसका मतलब ये ई e है और ये डी है ठीक है ये डी है डी उल्टा लिख रखा है वैसे ये है ये बड़ा कर दिया ना थोड़ा सा देखते हो एक बार बी आ रहा है ये B हो गया, इसको इसको e कर कर लेना, इसको D कर लेना, और इसमें है भी नहीं ठीक है क्या कहना चाह रहा है जो शिक्षित हो ठीक है देखो इसको बी ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है ये ए हो गया सी हो गया एफ हो गया ये है ना? एफ ही है तो ये आई थिंक ई होगा ठीक है और ये डी होगा एक बार के लिए ये मान लेते है? नहीं है तो फिर चेक कर लेंगे चेंज कर लेंगे ना? क्या कहना जो शिक्षित हो नौकरी में हो किंतु पक्की नौकरी में नहीं हो तो पक्की नौकरी जो ट्रेंगल है ट्रेंगल का मतलब है कि ये जो त्रिभुज वाला पार्ट है ये नहीं होना चाहिए तो ये बी और डी तो बी और डी कौन सा है ऑप्शन सी इज राइट आंसर तो इसको बी कर लेना इसको डी कर लेना इसमें ई e कर लेना ठीक है क्लियर बी डी प्रेम तनु माहिन बहुत बढ़िया तो सभी ने सी आंसर दिया है अब आ जाइए आप अगले सवाल पे अगले क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन करेंगे फिर हम वापस से वहीं जाएंगे जहां हम छोड़ के आए थे ठीक है क्या कहना चाह रहा है इस तरह से आपको दिया गया है कहना चाह रहा है रेक्टेंगल यानी जो आयत है वो चित्रकार को यानी ये जो है वो चित्रकार को ठीक है चित्रकार को ठीक है यानी पेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल है वो खिलाड़ियों को वैल्यू सभी को क्लियर दिखाई दे रही है बिल्कुल दिखाई दे रही है ये सर्किल है खिलाड़ी है और आपसे पूछा गया है कि और बोला गया है कि त्रिभुज है वो चिकित्सक को चिकित्सक यानी डॉक्टर्स को तो आपसे क्या पूछा गया, पूछा गया है ये पूछा गया ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न तो चित्रकार हैं और न ही चिकित्सक है यानी ओनली आने चाहिए सर्किल के अंदर ओनली कहाकिल के अंदर आने चाहिए तो ये सीधा सीधा सभी को दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है मैम? देखो ये ये सारे इसमें आ रहा है ये भी नहीं होना चाहिए रेक्टेंगल वाले भी तो ये जो ट्वेंटी फाइव बीच में छुपा हुआ है ना ये ओनली सर्किल का पार्ट है किसका पार्ट है ओनली सर्किल का पार्ट है ठीक है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछा गया दिखाई दे रहा है e, ठीक है, ये e है और ये F है, ये ये और इतना सा देख लेना बस ये क्या है एफ e है. है बाकी तो सारे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है फोर स्टेटमेंट है आपके पास कौन सा सही है अब पहला वाला चेक करिए एंड बी तीनों आकृतियों में नहीं बिल्कुल नहीं है बी है तीनों आकृतियों में तो ये गलत सही क्या होगा सीधा सीधा पता ही चल गया ना बाकी तो तीनों आकृतियों में होंगे कैसे ठीक है सीधा सीधा वैसे ही पता चल गया कि डी आंसर आएगा तो ज्यादा सोचना भी नहीं है ओके भाई तीनों में तो कौन सा पार्ट है ओनली ये वाला पार्ट है और इसमें कौन बना हुआ है इसमें बैठा हुआ है बी कौन बैठा हुआ है बी चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपको दिखाई देना चाहिए हम्म क्लास में पढ़ाई करें अब तुम्हारे आंसर नहीं दिया है ना कि तुम्हारी डीपी दिखाई दे रही है नहीं दे रही लिये लिये पढ़ाई करो ना क्या रखा है फालतू बातों में नाइनटीन में सीआर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है तो दिखाई दे गया कौन सा स्थान ऐसे शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाता है जो परिश्रमी नहीं है शहरी भी हो शिक्षित भी हो तो ये पता है शहरी वाला ट्रेंगल है वाला सर्किल है, इन दोनों में तो शामिल हो लेकिन ये जो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसमें शामिल नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे फोर्थ और फोर्थ कहां पे है ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है ऐसे कॉलेज के छात्र नहीं साइलेंट रहने से इंटेलिजेंसी की खास बात यह होती है कि वो साइलेंट रहते हैं साइलेंट रहकर पढ़ाई करते हैं ना? ओके? अगला सवाल क्या है विजिबल है ना सबको हाँ दिखाई दे रहा है ये कॉलेज के छात्र हैं कौन स्क्वायर वाले अब दोनों इसमें स्क्वायर है ध्यान देना है ना ओके ये कलाकार है ये गायक है इसने ऑलरेडी खुद ने लिख के बता दिया है और क्या कहना चाह रहा है ऐसे कॉलेज के छात्र जो कि कलाकार है लेकिन गायक नहीं है ये कॉलेज के छात्र जो हैं वो कौन से वाले ऊपर वाला जो स्क्वायर है दोनों स्क्वायर है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ओनली कलाकार वाले पार्ट को आपको माइनस कर देना है ये तो कहना चाह रहा है लेकिन गायक नहीं है अच्छा कलाकार तो है गायक नहीं है यानी ये रेक्टेंगल वाले पार्ट को हटा देना है और इन दोनों में शामिल तो दोनों में शामिल कौन है बी और बी कहाँ पे है ऑप्शन बी में ही बैठा हुआ है ठीक है बी कहाँ पे है ऑप्शन बी में ही बैठा हुआ है ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने लग चुका है और आई थिंक दिखाई भी दे रहा होगा अच्छे से सेम पिछला वाला सवाल ही है ठीक है तो क्या पूछा जा रहा है इसमें ऐसे कलाकार जो की नैतो कॉलेज के छात्र हैं कलाकार मीन ये वाले जो कॉलेज के छात्र नहीं है यानी ये वाला पार्ट हटा दीजिए ये वाला पार्ट हटा दो जो मैंने रेड किया है अब क्या कह रहा है और न ही गायक है और ये वाला भी हटा दो ठीक है तो कौन बचा ये बचा एफ जो कि कहाँ पे लिखा हुआ है डी ऑप्शन इज राइट आंसर डी अब हम आ जाते हैं वेन डायग्राम वाले में जो हम छोड़ के आए हैं चलिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ओके okay. आपको पूछा गया आपको पहले से आकृति बना दिया यानी डायग्राम आपको बना दिया और आपसे पूछा गया ये कौन से के लिए सही है है ना जितनी चीजें आपको दे रखी है एबीसीडी में कौन से वाले के लिए ये बात सही बैठ रही है तो इसमें अब मेरे पास अलग अलग आंसर आएंगे ट्वेल्व में डी आंसर दे रहे हो आप डी यानी ऑफिस बॉय सरकारी कर्मचारी और शिक्षित व्यक्ति ठीक है और कोई चलिए तो सारे ही यहाँ पे अपने समझदार हैं सभी ने आंसर डी दिया है देखिए पुरुष पिता होगा पिता जो आएगा वो पुरुष में आएगा ठीक है तो यहाँ पुरुष के अंदर ये वाला बनना चाहिए इसमें ये वाला बनेगा मैं सभी के एक बार बना के बता देती हूँ ताकि तुम्हारे कंफ्यूजन थोड़े और हटे डॉक्टर मानव गाय तो मानव में डॉक्टर आएगा और गाय अलग हो जाएगी ये सेकंड वाले का हो गया ये ऑप्शन ए का और ये बी का थोड़ा बनाना भी तो सीखे आप

तो अब वहां पे ये भी नहीं है शिक्षित होंगे वही सरकारी ये तो श्योर है और ऑफिस बॉय ऑफिस बॉय भी शिक्षित होते हैं ठीक है तो क्या आ जाएगा ऑफिस बॉय जैसे कुछ शिक्षित होते हैं वो आ, जो ऑफिस में लगते हैं गवर्नमेंट जॉब में उनको भी ऑफिस बॉय बोला जाता है ठीक है तो क्या आ जाएगा ये तीनों चीजें एक दूसरे से मिलती हैं तो आंसर कौन सा होगा डी मेरे दादाजी ऐसे ही नौकरी लगे थे हाँ मेरे दादो सा भी ऐसे ही लगे थे इसलिए मुझे ज्यादा पता मतलब मुझे पता है ठीक है ऐसे ही लगे थे वो कहीं पे पहलवानी कर रहे थे और जब उनको देखा आर्मी वालों ने कि भाई उनकी जो है फिजिकल अच्छा है तो उनको पकड़ के ले गए है ना घर पे एक दो महीने बाद खबर आई कि भाई जो बेटा है वो तुम्हारा आर्मी में लग चुका है तो ऐसे लगे थे लेकिन आजकल ऐसे ले जाए तो बहुत बढ़िया है फिर तो हर गली में बॉडी बिल्डर ही घूमते मिलेंगे है ना क्योंकि फिजिकल बनाना बहुत अच्छा मतलब इजी रहता है बजाय कुछ लोगों को पढ़ाई के बजाय वो सही लगता है ओके okay? तो अभी ऐसा नहीं है चलिए आजी अगला सवाल क्या कहना चाह रहे हैं महिलाएं माताएं और डॉक्टर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है महिलाएं माताएं तो महिलाएं होंगी ये बिल्कुल है यानी ये वाली बात है कि इसमें तो ये ही आने वाला है और कुछ जो माताएं होती हैं या कुछ महिलाएं जो होती हैं दोनों डॉक्टर हो सकती हैं बिल्कुल हो सकती हैं तो कौन सा वाला पार्ट सही होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर ठीक है

यह आपको टाइम दिया जा रहा है इसके लिए आपको दिए जा रहे तीस सेकेंड सी यानी सी ठीक है और कोई सी आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे ठीक है हम्म और कोई देखिए दोस्तों जब आप पढ़ते थे क्या पढ़ते थे अः आ... तक जब आपने पढ़ी है सोशल साइंस पढ़ी है सोशल साइंस में आपको साइकोलॉजी भी पढ़ा दी जाती थी एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो है ना थोड़ा सा जाओ अपनी टेंथ की यादों में नाइन्थेंथ सेवंथ में से स्टार्ट हुआ हो जाया करती थी हिंदी मीडियम वालों बच्चों को और इंग्लिश मीडियम वालों की तो आजकल छोटे छोटे बच्चों के यानी सेकेंड क्लास से सोशल साइंस अलग से स्टार्ट हो जाती है ठीक है मैम क्लास में लाइव होती है तो ये इसलिए दिखाई देता है कि जो बच्चे नहीं पढ़ते उनके लिए ये भेजा जाता है ना ओके ओके और इसका कहा यूज होता है ये आराम से आपको पता है जो नहीं पढ़ते उनके लिए भेजा जाता है ये और क्यों यूज होता है ये आप सभी जानते हैं ना <laughs> हाँ बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पे देखो थोड़ा हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं सारे के सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है सबसे बड़ी बात ये है जिन्होंने भी सी आंसर दिया है सभी का गलत है ठीक है अब पार्टी चेंज कर दी आप लोगों ने और आपने आंसर दे दिया ए तो मैं आपको बता दूं जब आप पढ़ते थे तो सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री भी पढ़ा दी जाती थी एंड आपको ज्योग्राफी भी पढ़ा दी जाती थी पॉलिटी भी पढ़ा दी जाती थी तो ये साइकोलॉजी वगैरह ये सारे किसके पार्ट होते हैं सोशल साइंस के पार्ट होते हैं किसके सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के पार्ट होते हैं और साइकोलॉजी और समाज शास्त्र ये दोनों अलग अलग है तो आंसर कौन सा हो जाएगा आंसर हो जाएगा सोशल साइंस में ये दोनों अलग अलग आ जाएंगे यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर ठीक है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ठीक है मनोविज्ञान साइकोलॉजी जैसे साइकोलॉजी तो जानते हो ना साइको यानी मन की जो विज्ञान होती है उसको साइकोलॉजी कहते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट साइको है सुना होगा ना साइको है मतलब पागल हो चुका है ठीक है आजकल बच्चे साइको हो रहे हैं या जो भी है टेंशन इतना रहने लग गया जॉब वगैरह ना मिलने का बेरोजगारी का इस वजह से भी जो है तनाव वाली जो बीमारियां हैं वो ज्यादा बढ़ रही है ठीक है मनोचिकित्सक बढ़ाने की ज्यादा क्यों है ए, इंडिया में जो है आप देखोगे हर घर में आपको कुछ न कोई ना कोई ऐसे मिल ही जाएगा आपको कोई ना कोई साइको मिल ही जाएगा तो ये होता है मनोविज्ञान ठीक है हाँ, रीट में साइकोलॉजी आती है वो अलग से होती है नाइन में ए आ रहा है नाइन में ए ठीक है नाइन वाले क्वेश्चन का आंसर सभी देंगे सभी मतलब सभी के सभी देंगे जो भी देख रहे हैं ये मान लीजिए कि आपके एग्जाम में ये सवाल आ चुका है और आप ये क्या आंसर देते डेविड ने ए आंसर दिया है रामचंद्र ने बी तनु ने ए। तो ए और बी दो आंसर हैं ठीक है प्रेम ने आंसर सी दिया है ठीक है ए बी सी मेरे पास तीन आंसर आए हैं ठीक है तो मैं बताऊं तीनों के तीनों आप गलत हो ठीक है क्यों गलत है मैम देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों ने सोचा पानी अलग होगा पर्वत होगा ये तो जो भी सोच रहा है वो ज्यादा गलत सोच रहा है पानी बांध में मिलता है ठीक है पानी को बांध में बांधा जाता है यानी इकट्ठा किया जाता है ये आप सभी जानते हैं कुछ भी आंसर दे रहे हैं वो क्या सोचे उनको ऐसे लग रहा है कि पर्वत अलग बैठा दिया उन्होंने ये बात भी सही है ये थोड़ा सा थोड़ा सा सोचना बनता है इसमें ज्यादा स्टूडेंट इस देखो सौ परसेंट जो बच्चे होते हैं ठीक है उसमें से मुश्किल से कोई पॉइंट वन परसेंट मान लीजिए वो इधर जाते हैं अगर वहां पे एट्टी बच्चे ठीक है 80 तो मत बोलो आप 70 मान लीजिए 70% बच्चे उधर शामिल हो जाते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा है कि भाई पानी जो है बांध का एक बांध में बना हुआ है पानी ठीक है और पर्वत अलग बैठ गया और कुछ बच्चों ने क्या सोचा कि बांध में ही पर्वत और पानी दोनों होते हैं तो ये वाले जो हैं ये कोई 1% बच्चे ये होते हैं बाकी के बच्चे आंसर दे के आएंगे डी डी क्यों होगा आंसर डी तो पर्वत में भी पानी निकलता है जब बारिश होती है तो पर्वत से भी पानी निकलता है और बांध में भी पानी होता है तो पानी जो होता है बांध और पर्वत तो अलग अलग होंगे ये बात सही है लेकिन पानी जो है वो पर्वतों में भी निकलता है पानी बांध में भी मिला मिलता है तो आंसर क्या होगा डी देखिए जिस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से चाहती हूँ तो आप समझ जाए करो सवाल में कहीं ना कहीं जोल है है ना ओके okay? माउंटेन वॉटर होता है ना क्यों नहीं होता ओके okay. ये जो बर्फ वाले जो होते हैं जो पर्वत यानी हिमालय वगैरह तो उनमें पानी निकलता या नहीं निकलता क्लियर चलिए आजी ये सवाल बहुत अच्छा था अगले क्वेश्चन पे आजी अगला क्वेश्चन अगेन तुम लोगों को ही दिया जा रहा है ये सवाल ये सभी के लिए इसका भी आंसर आप सभी देंगे ठीक है माउंटेन हो सकता है फाउंटेन ओके okay, माउंटेन भी हो सकता है फाउंटेन भी हो सकता है चलिए नेक्स्ट वाला सवाल अगेन तुम्हारे लिए है ये सवाल सभी आंसर देंगे जल्दी से दीजिए आंसर सभी को दिखाई दे रहा है पहले सवाल काफी बड़ा है पढ़ो इसको आराम से पता चला अगेन इस क्वेश्चन का आंसर सभी देंगे एट का आंसर सी दिया है ठीक है सी सी ठीक है अच्छा ये तो वैसे ही बना हुआ है ठीक ओके दोस्तों अजी इस सवाल पे इसकी लेंथ ही थोड़ी ज्यादा है सवाल मुश्किल नहीं है है ना काफी बड़ी इसने दे रखा है इतना सब कुछ लिख रखा है हमें ज्यादा यहाँ पढ़ना है एक रात्रि भोज हुआ जिसमें मछली और मांस दोनों परोसे गए कुछ लोगों ने केवल मछली ली कुछ ने केवल मांस लिया कुछ शाकाहारी उन्होंने दोनों में से कुछ नहीं लिया बाकी लोगों ने मछली और मांस दोनों ली निम्नलिखित तर्क आरेख से कौन सा एक डायग्राम बनेगा ठीक है कौन सा एक डायग्राम बनेगा देखिए दोस्तों जो बी आंसर वाले हैं उनको मैं बता दूं शाकाहारी जो होते हैं शाकाहारी जो होते हैं कुछ ऐसे शाकाहारी भी होते हैं जिसमें अगर तुम नॉनवेज खा के बैठे हो अगर उनकी प्लेट में हाथ लग गया तो वो उस खाने को भी नहीं खाते है ना उस खाने को भी नहीं खाते ओके तो कुछ शाकाहारी ऐसे भी होते हैं शाकाहारी जो होते हैं वो नॉनवेज यानी मासा, मासार जो होता है वो नहीं खाते बिल्कुल वो दूर रहते हैं ओके दूर वाला वैसे भी एक ही डायग्राम है तो आंसर तो बिना सोचे तुम ऐसे भी दे सकते हो अगर हम यहाँ पे और बात करें भाई में वो भी आते हैं जो मछली खाते हैं, मासारी में वो भी आते हैं जो अलग का कुछ और नॉनवेज जैसे मीट हो गया या कुछ और हो गया ठीक है मछली हो गया ठीक है और चिकन वगैरह जो भी हो गया तो वो भी खाने वाले हैं तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी इज राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ठीक है तो जो बी आंसर दे रहे हैं एक बार चेक कर लेना बाकी काफी लोगों ने सी आंसर दिया है अगले क्वेश्चन पे आ जाइए नेक्स्ट नेक्स्ट है कि पिता है माता है और कवित्री है कवित्री यानी ये जो होती है कवि और कवित्री में फर्क होता है ये फीमेल होती है कवि यानी पॉइंट जो होता है वो कौन होता है आ, मेल होता है ठीक है पिता पिता जो होता है वो फीमेल तो नहीं हो सकती कवित्री फीमेल का यानी माता का ही पार्ट होगी कुछ तो पिता तो अलग से बैठ जाएंगे कहीं पे भी जहां पे बैठे हुए इन दोनों में बैठे हुए ठीक है और कवित्रियाँ किसमें आएंगी माताओं में जरूरी नहीं सारी है सारी माताएं कवित्री बने कुछ सी सी की तरफ भी जाते हैं बच्चे जरूर नहीं सारी माताएं कवित्री बने तो आंसर कौन सा आएगा इसमें भाई कुछ माताएं कवित्री बन जाती हैं और पिता कौन सा हो जाएगा अलग से हो जाएगा पिता कौन हो जाएगा अलग से हो जाएगा कुछ बच्चों के ये भी मन में आती है इसका भी दे देते हैं जवाब बट आप लोगों के मन में नहीं आ रही अच्छी बात है ठीक है अगला क्वेश्चन डेविड भाई के मन में आई अच्छा डेविड नहीं अभी तक तो आया नहीं आंसर चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए तो आप सोच रहे होंगे मैम अच्छा सा सवाल आता है तो आप हमें दे देती हैं ठीक है और हम जो है अटक जाते हैं समझ में नहीं आता क्या होगा तो दोस्तों देखिए क्या होगा क्या बोल रहा है ईसाई कैथोलिक और पोप कौन होता है ये आपसे पूछा गया ठीक है बताइए इसका आंसर क्या बन सकता है एक बार ट्राई करें आप सभी ये मान लीजिए एग्जाम में ये सवाल ही गया है तो क्या करेंगे स्कीप करेंगे ये अच्छा था है ना देखिए दोस्तों ईसाई एक धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ना किसको धर्म को ठीक है जैसे हम मान लेते हिंदू धर्म हो गया ठीक है हिंदू धर्म आप मोस्टली जो है हिंदू धर्म से हैं मतलब जो भी मेरी क्लास में या नहीं भी हैं तो वो फिर तो वो तो जानते होंगे अपने अपने धर्म से तो जैसे हिंदू धर्म में आ, ये जो कैथोलिक होते हैं कैथोलिक एक प्रकार का समाज होता है फॉर एग्जाम्पल हम ब्राह्मणों की बात कर ले क्योंकि हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण होते हैं वो पूजा पाठ करवाते हैं तो ब्राह्मणों का एक जो ग्रुप हो गया वैसे क्या होता है कै... जो भी हो मैं ये नहीं कह रही मैं ये कह रही हूं बहुत सारे ऐसे हैं अगर आप जो भी हो आप अपने हिसाब से लगा लेना ठीक है आप अपने हिसाब से लगा लेना ओके तो जैसे ये धर्म से हो गया ईसाई एक धर्म होता है ठीक है आप सभी जानते हैं तो कैथोलिक क्या हो गया कैथोलिक इनमें जो पूजा पाठ करवाते उनका ग्रुप है जैसे हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ कौन करवाता है ब्राह्मण करवाते हैं ठीक है थीके? तो ब्राह्मणों का एक समाज जो है वो इस तरह से क्या हो गया कैथोलिक मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको समझो इसको ठीक है अब हम बात करें पोप पोप होता है जैसे हमारे मंदिर में एक जो एक होता है ना मंदिर में एक स्पेशल जो होता है पूजा पाठ करने वाला वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा वहाँ पे ईसाइयों का जो एक गुरु होता है अपने जैसे अपने पूजा पाठ करने के लिए होता है वैसे इनका एक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है पोप कौन होता है पोप ठीक है आप अपने अपने हिसाब से समझ लेना है ना अपने अपने हिसाब से समझ लेना वैसे सभी एक इंसान है इंसान के बाद सारी चीजें आती हैं है ना और अपन सब अपने आप को इंसान ही समझेंगे मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ इसलिए बाकी मुझे भी कभी फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से क्योंकि आप सवाल को कनेक्ट तभी कर पाओगे जब आप अपने आप को कनेक्ट थोड़ा सा कर पाओगे ठीक है हाँ पृष्ठ पंडित वो ही होता है ओके तो अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया जैसे हिंदू धर्म हो गया ठीक है तो आपको पता है कह तो ना ब्राह्मण उसी में आएंगे ओके फिर जो पोप यानी जो मुख्य जो पादरी हो गया मुख्य जो आ, आ, स, आ, क्या हो गया मुख्य ब्राह्मण जो पुजारी हो गया हम पुजारी बोलते हैं वो क्या आएगा इसमें सब में अंदर आएगा तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि आपको इन सभी का मतलब नहीं पता था तो इसको भावनाओं से मत जोड़ना कि मैम ये क्यों बता रही है हिंदू मुस्लिम मैं वो नहीं कर रही मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ क्योंकि मैं जो हूं मैं उससे चीजें कनेक्ट कर लेती हूँ तो शायद आप जो भी है आप अपने अपने हिसाब से कनेक्ट कर लेना ठीक है ओके ये हो चुका है चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन पे जो हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए तो एलियन जो है समझ में नहीं आएगा है ना तो कुछ एलियंस में रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आप सोच सकते हो हमें कितनी जरूरत है पढ़ाई की है ना आ जी आज ये अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है ठीक है तो जादू है ना जब तुम बच्चे थे तो तुमने भी सोचा होगा काश हमें भी कोई जादू मिल जाए जो हमारे भी कहना मान ले तो ये सब बातें पुरानी हो गई है पढ़ाई पे ध्यान दो नौकरी तभी लगेगी जब दिन रात मेहनत करोगे ठीक है दिन को दिन नहीं समझोगे रात को रात नहीं समझोगे ना तो कोई जादू मिलता है और कुछ नहीं मिलता है ये सिर्फ जब छोटे थे तब मिलता मतलब सोचते थे मिला तो आज तक नहीं होगा ओके okay? अगला वाला सवाल क्या कहना चाहे निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिज्ञ दिखाई तो दे रहा है ना तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा तो एक बार मैं दिखा देती तो हूँ है थोड़ा सा आप थोड़ा सा एफर्ट डालना इसको समझने की बड़ा मैं इसको कर ही देती हूँ क्या कहना चाह रहा है ये राजनीतिज्ञ है ठीक है और ये टीचर हैं अध्यापक है स्नातक कर रखे हैं और ये संसद सदस्य हैं संसद के सदस्य हैं तो आपसे पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है देखिए क्या पूछा जाता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो कि न तो अध्यापक है और न ही स्नातक है ना राजनीतिज्ञ ऐसे कौन से हैं तो राजनीतिज्ञ ये रहे बड़ा वाला ट्रेंगल ट्रेंगल दो है ध्यान रखना एक थोड़ा लहराता हुआ ट्रेंगल, कहां पे ये रहे। बड़े वाले ट्रेंगल में शामिल है जो टीचर नहीं है टीचर का मतलब सर्किल में शामिल नहीं है तो सर्किल वाला पार्ट में हटा देती हूँ एक बार के लिए और इसको रेड कलर में करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे आपको ये लीजिए ये वाला पार्ट आप काट दो काट दिया मैं नहीं स्नातक ना ही उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वैसे भी राजनीति के कमी पढ़ाई करते हैं ना तो ग्रेजुएशन अरे ये तो स्नातक वाला कार्ड दिया मैंने ठीक है कोई नहीं टीचर वाला भी कार्ड दो टीचर वाला पार्ट ये वाला अब आपको पूछा जा रहा है राजनीतिज्ञ यानी बड़े वाले ट्रेंगल में ए भी शामिल है और B भी शामिल है तो क्या आ जाएगा ए एंड बी ऑप्शन डी इज राइट आंसर ठीक है क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज क्या आ जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सवाल है बाईस से लेके छब्बीस तक वही क्वेश्चन बने हुए आगे आ जाइए क्या कहना चाह रहा है निम्नलिखित में से ऐसे कितने uh, सांसद सदस्य हैं जो कि स्नातक भी हैं और अध्यापक भी हैं? ठीक है वैसे भी संसद में बहुत कम uh, पढ़े लिखे कमी जाते हैं तो आपसे पूछा गया ऐसे टीचर भी हैं ठीक है और क्या है स्नातक भी उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो आ जाइए संसद सदस्य ये वाला जिन्होंने क्या कर रखा है स्नातक यानी ये वाला पार्ट भी शामिल होना चाहिए और अध्यापक भी है तो ये वाला पार्ट ओनली ये कौन सा है एच दिखाई दे रहा है एच बहुत बढ़िया एच मींस क्या आ जाएगा एच का मतलब सी क्लियर ठीक है मैम अगले सवाल पे आ जाइए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन स्नातक या अध्यापक है स्नातक भी है अध्यापक भी है ठीक है नहीं स्नातक या अध्यापक में दोनों में से एक हो सकता है या का लगा हुआ है और इंग्लिश में लगा हुआ है और लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं है राजनीतिज्ञ यानी बड़ा वाला जो सर ट्रेंगल है उसको हटा दो तो बड़ा वाला अगर ये हटा देते हो आप तो कौन बचा एक तो एफ बचा और एक ई e बचा तो ई एंड एफ कहां पे है ई एंड एफ ऑप्शन डी इज राइट आंसर बहुत बढ़िया ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव निम्नलिखित में से कौन स्नातक का ऐसा ग्रुप है स्नातक यानी ग्रेजुएशन वालों का ऐसा ग्रुप है जो राजनीतिज्ञ भी है और अध्यापक भी है लेकिन संसद के बारे में कुछ नहीं कहा गया संसद हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? लेकिन राजनीतिज्ञ और अध्यापक तीनों होना चाहिए स्नातक राजनीतिज्ञ और अध्यापक तो स्नातक ये तीनों वाली लाइन का कौन सा ग्रुप मिल रहा हुआ है ये एल वाला मिला हुआ है ठीक है एल वाला भी मिला हुआ है एच वाला भी मिला हुआ है ये दोनों ही पार्ट मिले हुए L and H. कहां पे है ऑप्शन ए इज राइट आंसर आ गया सभी का आंसर ए ए बहुत बढ़िया ठीक है अगले सवाल पे आ जाए और इस टाइप का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इसने क्या पूछ लिया काफी सारी चीजें दे रखी है इसमें इसने पूछा है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है ऐसे कौन से मेंबर हैं जो राजनीतिज्ञ को समूह संसद सदस्य नहीं है अच्छा ऐसा ग्रुप आपसे पूछा गया है जो संसद सदस्य नहीं है बाकी कुछ भी हो चलेगा तो संसद सदस्य मतलब क्या है ये वाला पार्ट हटा दो ये वाला पार्ट हटा दो और राजनीतिज्ञ होना चाहिए यानी इस ट्रेंगल में शामिल होना चाहिए इस ट्रेंगल में शामिल होना चाहिए ठीक है ये ये हटा दिया, मैंने ये वाला हटा दिया दिया मैंने वाला को दे। तो यहाँ पे सी है यहाँ पे एल है यहाँ पे डी है यहाँ पे ए है तो ए और यहाँ पे सी डी एल ए सी डी एल ऑप्शन ए इज राइट ठीक है सब है ए सी डी एर नहीं सारे ये मत कर देना ये इको e शामिल मत कर लेना राजनीति के बड़े वाले ट्रायंगल की सारी वैल्यू लेनी है बड़े वाले त्रिभुज की सारे जो भी बैठे उन सभी को उठाना है लेकिन ये जो आ रहा है रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है यानी आयत के अंदर आ रहा है उनको छोड़ देना है ठीक है छोड़ दिया अब आ जाइए अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा और अब थोड़ा चेंज हुआ और ये चलेगा अपना अच्छा ये अलग ही क्वेश्चन है दिखाई दे रहा सभी को इस इस सवाल की बुरी हालत है ये दिखाई नहीं दे रहा अब दिखाई दे रहा है <laughs> ये अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा 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 आंखों पे जोर डालो सभी को दिखाई देगा देखो त्रिभुज जो है ना ट्रायंगल जो है वो ग्रामीण है ग्रामीण यानी विलेज वाले लोग हैं ठीक है कौन सा ये वाला अब मैं इस पे ज्यादा कुछ लिखूंगी तो ये थोड़ा और खुद ऐसा हो जाएगा कि आपको बिल्कुल भी दिखाई देना बंद कर दे अभी थोड़ा दिखाई दे रहा है हम्म, अभी थोड़ा दिखाई दे रहा है ठीक है डी आंसर आ रहा है सेकंड आंसर आ रहा है ओके okay. अलग अलग आंसर आ रहे हैं चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ऐसे ग्रामीण जो कि परिश्रमी तथा बेरोजगार है लेकिन बुद्धिमान नहीं है बुद्धिमान वाले पार्ट को हटा देना है ना बुद्धिमान वाला पार्ट कौन सा है ये वाला यानी रेक्टेंगल वाले पार्ट को आपको हटा देना है इस वाले पार्ट को मैंने हटा दिया और साथ के साथ में कंडीशन अप्लाई ग्रामीण भी हो परिश्रमी भी हो बेरोजगार भी हो परिश्रमी ग्रामीण और बेरोजगार कौन सा शामिल है टू कौन सा शामिल है टू जो कि कहां पे है ऑप्शन डी इज राइट आंसर आंसर दो है ऑप्शन डी है ठीक है आंसर डी आ गया ठीक है चलिए नेक्स्ट वाला सवाल अगला सेम यही क्वेश्चन है इसको मैं अगेन बोर्ड पे ही दिखा देती हूँ ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है ऐसे ग्रामीण परिश्रमी व्यक्ति जो न तो बेरोजगार है और न ही बुद्धिमान है तो बुद्धिमान वाले पार्ट को हटा दो एंड बेरोजगार वाले पार्ट को भी हटा दो बेरोजगार वाले यानी सर्किल वाला पार्ट तो इसमें तो मुझे आंसर बनता भी नहीं दिखाई दे रहा ठीक है बेरोजगार हटा दिया और क्या कह रहे ऐसे ग्रामीण परिश्रमी ग्रामीण और परिश्रमी एक साथ तो आएगा ही नहीं ठीक है तो इसमें कौन सा हो जाएगा कोई सा ही नहीं होगा ठीक है क्या आएगा डी नन आएगा अच्छा कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि इन दोनों को जोड़ के दे देते हैं आंसर है नहीं क्या होता तो कुछ बच्चे इसके साथ भी चले जाते हैं ना कुछ जो है जिनको साथ जाने की आदत है वो क्या करते उनको लगता परिश्रमी ये ट्वेल्व और इनको जोड़ते और बताते नहीं ये ऐसे पूछ रहे ग्रामीण वाले भी होने चाहिए परिश्रमी तो ऐसे कोई से भी नहीं है तो आंसर क्या आएगा नन क्या आएगा नन है ना ओके okay? चलिए नेक्स्ट अच्छा तीन वाले ने क्या सोचा ठीक है जो भी सोचा हो देख लेना एक बार अगला क्वेश्चन इसी का है तो इसी को हम वापस से यही रखते हैं क्या कहना चाह ऐसे ग्रामीण व्यक्ति जो कि बेरोजगार हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं है और न ही परिश, परिश्रमी है ग्रामीण व्यक्ति जो बेरोजगार तो है लेकिन ना तो वो परिश्रमी है यानी रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों को ही हटा दो ये दोनों हट गए तो आपको यहां कौन से दिखाई दे रहे हैं? सिक्स, या बी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा क्लियर ठीक है इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हुई होगी नॉर्मल सा सवाल था अगेन देखिए अगला सवाल वैसा ही है ऐसे व्यक्ति जो बेरोजगार परिश्रमी तथा बुद्धिमान है लेकिन ग्रामीण नहीं है यानी ग्रामीण वालों को हटाया जा रहा है बुद्धिमान बाकी सभी को जोड़ा जा रहा है तो ग्रामीण वाले जो हैं, ग्रामीण वाले यानी ये वाले हट गए ये वाला पार्ट हट गया अब आपको क्या कहना चाह रहा है बुद्धिमान है और बेरोजगार है बुद्धिमान बेरोजगार और परिश्रमी परिश्रमी तो ये कौन सा आ जाएगा नाइन वाला कौन सा आएगा नाइन वाला बाकी ये भी इधर से निकल गया नाइन ऐसा है जो सब जगह शामिल है तो ऑप्शन क्या आ जाएगा डी बहुत बढ़िया ऑप्शन क्या आ जाएगा डी एक और सवाल बचा हुआ है आई थिंक इसी का होगा ठीक है अगला सवाल देख लो क्या कहना चाह रहे हैं ऐसे बेरोजगार व्यक्ति जो कि ग्रामीण, नए बुद्धिमान और न ही परिश्रमी है बेरोजगार कहां पे है? सर्किल के अंदर आना बाकी किसी में नहीं आना चाहिए तो सेवन होंगे एंड अच्छा इसका आंसर बताओ आप डी रहा है। डी 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 बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है देखो यहाँ पे सर्किल में होने चाहिए बाकी ना इनमें होने चाहिए ना उधर होने चाहिए तो यहाँ देखो ये फिफ्टीन अलग से बैठा हुआ है और ये सेवन अलग से बैठा हुआ है तो सेवन एंड फिफ्टीन इसमें ये दोनों आएंगे इसमें क्या आएंगे दोनों आएंगे तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया ठीक है और ये बोर्ड पे ही दिखाई दे रहा था वैसे तो दिखाई भी नहीं दे रहा ये थी दोस्तों आज अपनी एक क्लास क्लास को अच्छे से आपने पढ़ा ठीक है एग्जाम में तुम्हारे यहाँ स्टेनो का पेपर देने जा रहे हो तो तीन सवाल चार सवाल आराम से आएंगे इस वाले पार्ट से अच्छे से करके आना है चीजों को समझना है वेन डायग्राम बनाते टाइम जो गलतियां आज आपने अपनी क्लास में करी है, बहुत सारों ने कुछ सवाल जो अच्छे लेवल के थे तो उनमें सभी ने गलती करी है तो वो गलती एग्जाम में मत करना इन वाले सवालों को ध्यान से पढ़ना है ध्यान से आंसर देना है ठीक है अच्छा बाद में देख लेना स्टार्टिंग वाले जो मैंने बहुत अच्छे में उठ के आ लेकिन इन सारी चीजों से आप सीखोगे की एग्जाम में तुम्हें क्या करना है ठीक है एग्जाम जिनका भी है कल जिनका भी है मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट अच्छे से पेपर देना है जिनका ना स्टेनो का है ना जी का है वो आराम से सारी क्लासों को पढ़ो आराम से सारे टेस्ट को दो टेस्ट जो दे दिए उनका रिवीजन करो जीडी वाले भी टेस्ट आराम से अच्छे से फोकस करो टेस्ट पे और टेस्ट ही ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे नंबर दिलाते हैं ठीक है डीएसएसबी अच्छा हां डीएसएसबी वालों का भी है तनु तुम्हारा पेपर कब है ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से ठीक है छब्बीस नवंबर को है ठीक है टाइम है अभी छब्बीस नवंबर को काफी टाइम है अब अच्छे से पढ़ो और रीजनिंग में और मैथ में पूरा स्कोर करो मैथ मैंने देखी है नॉर्मल आती है आराम से कर लोगे ठीक है और रीजनिंग भी को ठीक ठाक ही आती होगी रीजनिंग मैंने देखी नहीं है डीएसएसबी की ओके दोस्तों चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाय कल मैं सुबह क्लास नहीं लूंगी इस वजह से मैंने आज शाम को क्लास ली है हो तो सकेगा अगर मैं आ गई आऊंगी मैं मैथ की तो क्लास मुझे लेनी है तो मैं कल शाम को आपकी क्लास करवा सकती हूँ ठीक है मेरे पास, तो मैं कल शाम को करवा दूंगी ऐसी बात नहीं है और झंडे तभी गड़ेंगे जब तुम्हारी अच्छी तैयारी होगी ठीक है भगवान के आगे मंदिर में धोख खाने से कभी सफलता नहीं मिलती सफलता तभी मिलती है जब मेहनत तुम्हारी अच्छी हो तब भगवान भी साथ देता है गोड़ भी साथ देता है दुआएं भी साथ देती है ना ओके okay? चलिए अब हम मिलते हैं और मैं बात कर लूंगी तुम्हें क्या बात करनी ओके okay, दोस्तों